नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो, लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, आज हम एक बहुत ही रोचक विषय लेकर के आए हैं, जिसे जानकर आपको आश्चर्य भी होगा। और यह हमारे हिंदू संस्कृति में बहुत समय से चला आ रहा है, ये अगरबत्ती के बारे में आज हम जानकारी देंगे कि अगरबत्ती हमें जलाना चाहिए या नहीं जलाना चाहिए। हमारे हिंदू संस्कृति में किसी भी ग्रंथ को आप उठाकर देख लें, किसी भी शास्त्र को आप उठाकर देख लें, उसमें कहीं भी अगरबत्ती जलाने का आपको विवरण नहीं मिलेगा। किसी भी पूजा पद्धति में अगरबत्ती जलाने का कहीं भी निर्देश नहीं दिया गया है। अगरबत्ती ज़्यादातर हिंदू व मुस्लिम लोग अपने अपने धार्मिक स्थानों में जलाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगरबत्ती जलाने से आप कई मुसीबत में पड़ सकते हैं? इटली में दो वैज्ञानिकों ने इस चीज़ का शोध किया है। किस कारण से किया? क्योंकि अगरबत्ती में आप ये जो नीचे देख रहे हैं, ये बांस है। तो उन्होंने शोध किया कि भारत में हिंदू संस्कृति में बांस को जलाना क्यों वर्जित है। तो जब उन्होंने बांस को जला करके देखा, तो मित्रों आप हैरान रह जाएंगे कि सिगरेट के धुएं से 1.5 गुना ज़्यादा उसमें प्रदूषित धुआं निकलता है, जिसके कारण सिगरेट के धुएं से जैसे व्यक्ति को दमा, कैंसर, कई बीमारियां हो जाती हैं, तो उससे 1.5 गुना ज़्यादा घातक इससे जो है धुआं निकलता है और इससे घर में एक प्रदूषण आता है। खासकर ऐसी जगह पर जब आप पूजा कर रहे हैं और छोटा सा कमरा है, या आप अपने कार्यालय में या अपने ऑफिस में और कमरे को बंद कर दिए और वहाँ पर जब आप अगरबत्ती जलाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। अगरबत्ती जलाने से कभी भी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। हमारे शास्त्रों में बांस का उपयोग करना वर्जित माना गया है। आपने देखा होगा, बांस का प्रयोग हवन में भी नहीं किया जाता है। सिर्फ जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब उसकी जो अर्थी बनाई जाती है, उसमें उसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसको जलाया भी नहीं जाता, क्योंकि उसके जलाने से प्रदूषित वायु निकलती है। और दूसरा क्या होता है, इस अगरबत्ती में ये जो लेप किया हुआ है, इसमें सुगंधित केमिकल मिला देते हैं, तो उसके कारण और ज़्यादा इसका प्रदूषण बढ़ जाता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा मंदिरों में जो भी पुजारी रहते हैं, उन्हें सिरदर्द, दमा, खांसी व कैंसर की शिकायत ज़्यादा पाई जाती है। उसका मुख्य कारण अगरबत्ती का जलना है। इसलिए अगरबत्ती जलाना हमारे हिंदू संस्कृति में निषेध माना गया है। कहीं पर भी आप किसी भी पूजा पद्धति को उठा करके देख लें, कहीं पर भी अगरबत्ती का वहाँ पर विवरण नहीं दिया गया है कि अगरबत्ती जलाना चाहिए। यह प्रथा कब से प्रचलित हुई? जब यमनों ने हिंदुओं के ऊपर आक्रमण किया और वो कई बार परास्त हुए, तब उन्होंने देखा कि ये लोग, हिंदू लोग जो है,
युद्ध करने के पूर्व अपने इष्ट की प्रार्थना करते हैं जिससे इन्हें शक्ति मिलती है। तब औरंगजेबादी ने जो है हिंदुओं के मंदिर तोड़ना बंद किए, तोड़ना चालू कर दिए। जब उन्होंने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना चालू किया, उन्हें खंडित करना चालू किया, तब हिंदू और ज़्यादा आक्रोशित होकर के उनसे लड़ने लगे और वो हारने लगे। तब फिर उन्होंने हमारे शास्त्रों का अध्ययन किया और उसमें उन्होंने देखा कि बांस को जलाना वर्जित बताया गया है। बांस को जलाने से वंश की वृद्धि रुकती है व पितृदोष भी होता है। तब फिर उन्होंने केमिकल युक्त जो है बांस की बनी हुई अगरबत्ती का निर्माण किया और हिंदुओं को समझाया कि इसकी सुगंध से देवता बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए इसे आप लोग जलाएं। तब हिंदुओं ने इसको जलाना चालू किया इस लोभ में कि इसकी सुगंध बहुत अच्छी होती है। माना कि थोड़ी देर के लिए आपके कमरे में सुगंध अच्छी आ जाती है, लेकिन उसके धुएं से जो प्रदूषण होता है वो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो उससे उन्होंने हिंदुओं की पूजा को खंडित किया और जब हिंदुओं की पूजा खंडित हुई तब फिर उन्होंने हिंदुओं को परास्त करना चालू किया। इसलिए पूजा के समय हमेशा गूगल से बनी हुई धूप या कपूर का इस्तेमाल करना चाहिए, कपूर जलाना चाहिए या धूप जलाना चाहिए, जिसका विवरण हमारे पूजा पद्धतियों में हर जगह दिया हुआ है, अगरबत्ती का कहीं भी नहीं दिया हुआ है। इसलिए मित्रों यह जानकारी हमने आपको दी कि आप लोग कभी भी अगरबत्ती का प्रयोग पूजा करते समय ना करें। कई लोग तो सोते समय 8-8, 10-10 अगरबत्ती एक साथ जला देते हैं कि ताकि कमरे का वातावरण सुगंधित हो जाए, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इसके धुएं से जो है उन्हें कितना ज़्यादा नुकसान होगा। इसके धुएं से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। यह मित्रों जानकारी हम ऐसे ही नहीं दे रहे हैं, यह पूर्ण रूप से प्रमाणित है, इसकी प्रमाणिकता भी है। इसलिए अगरबत्ती का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। जी न्यूज़ में सुधीर चौधरी नामक DNA एक करके उनका जो सीरियल आता है उसमें उन्होंने इस चीज़ के बारे में भी विस्तृत रूप से बताया है कि अगरबत्ती का प्रयोग हमें क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदू संस्कृति में बांस का प्रयोग करना वर्जित है। बांस के प्रयोग हिंदू संस्कृति में नहीं किया जाता है, ना तो हवन में किया जाता है जैसे हमने आपको पहले बताया, और इसको किसी भी रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रदूषित वायु निकलती है, इस कारण से बांस को वर्जित माना गया है। इसलिए बांस का उपयोग से बनी हुई अगरबत्ती कभी भी उपयोग में नहीं करना चाहिए। हाँ, बांस से यदि नहीं बनी है, यदि अन्य किसी लकड़ी से बनी हुई है तो एक बार भले आप उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक बन सके आप जो है धूप और कपूर का इस्तेमाल करें। धूप और कपूर के जलाने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर जाती है, जबकि अगरबत्ती जलाने से नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा आती है व आपके स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। कई बार हम को जब बीमारियाँ हो जाती तब हम बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ना हमने कभी सिगरेट पी, ना कभी हमने कोई व्यसन किया, फिर हमें कैंसर या आदि ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियाँ कैसे हो गई? तो उसका मुख्य कारण है ये अगरबत्ती। इसलिए मित्रों आशा है आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, आपके लिए लाभप्रद है और आप इससे यदि सहमत हैं और आपको अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें और संकल्प लें कि अगरबत्ती ना जलाएं, और जलाएं तो कम से कम जलाएं। तो इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के जीवन पर बनी रहे, यह सहदेव माँ गायत्री से हम प्रार्थना करते हैं। और मित्रों यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और शेयर करें। इसी तरह अपना स्नेह व प्यार हमें देते रहें। नमस्कार, ओम शांति।